सो गाइस, फाइनली हम लोग जा रहे हैं कोलकाता। तो यहाँ पे सारी पैकिंग शैकिंग कर ली है हम लोग ने। अब वेट करें अपने कार का, तो ड्राइवर आएंगे, वो हम लोग को लेके जाएंगे स्टेशन तक। नीमो के दादा दादी भी हम लोग को छोड़ने जा रहे हैं, स्पेशली नीमो को ड्रॉप करने जा रहे हैं स्टेशन तक। तो हम लोग यहाँ पे स्टेशन तक आ गए हैं। तो आज तो लग रहा था कि सभी लोग को एक साथ ही हावड़ा जाना है, इतना ज़्यादा क्राउड था। देखिए कितना क्राउड है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी आज। ऐसा लग रहा था कि आग के गोले गिर रहे हैं आज में, इतनी गर्मी थी। तो यहाँ पे नीमो की मन दादी को देखिए, शी इज़ क्वाइट इमोशनल बिकॉज नीमो को वो छोड़ने आई है। नीमो जा रहा है कुछ दिनों के लिए। तो फाइनली आ गई हमारी ट्रेन। अब हम लोग चढ़ने वाले इस ट्रेन में। तो नीमो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था जब उसने पहली बार ट्रेन आते देखा। एकदम देखिए एकदम शॉक्ड है, उसको पता नहीं है क्या है ये। ऑब्वियसली वो 10 महीने का, उसे कैसे पता होगा। यहाँ पे नीमो हैंड ओवर हो गया अपनी दादी के गोदी से, अपने पापा के पास चला गया है। देखिए कितना प्यार कर रही है इसकी दादी इसको। और यहाँ पे नीमो को देखिए कितना खुश हो रहा है अपने दादी और दादू को देख के विंडो के थ्रू। कितना क्यूट मोमेंट है वाला। ये लोग भी बहुत इमोशनल थे जब नीमो जा रहा था, बिकॉज़ घर पूरा खाली हो जाएगा, अब उन लोग को पूरा अकेला फील होने लगेगा। तो बोल रहे थे पापा कि जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। ये मैं आपको दिखाती हूँ हमारा कूप। दिस इज़ द कूप व्हिच वी हैव बुक्ड। तो थोड़ा प्राइवेसी का ध्यान रख के हम लोगों ने कूप बुक किया है। और ये नीमो का फर्स्ट ट्रेन जर्नी है, तो कंफर्टेबल हो तो इसलिए बेटर है कूप बुक करना। सो काफ़ी स्पेशियस, आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस है ये कूप। एंड दे हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग, पिलोज, शीट एंड एवरीथिंग। एंड देयर इज अ कर्टन फॉर योर प्राइवेसी। एंड देयर इज अ मिरर। जर्नी, तो हम लोग जा रहे हैं। नीमो भी बहुत खुश है अपनी ट्रेन जर्नी में, बाहर का नजारा देख रहा है। सो कल हम लोग मिलते हैं हावड़ा में, फिर जाएंगे अपने घर। आई एम मीट माई हस्बैंड, आई एम गोइंग विद हिम। बैठो, कम कम कम। सो मीट हिम, से हाय टू एवरीवन। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो गाइस, अभी हो गई है सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं हावड़ा। पहुंचने ही वाले हैं बहुत जल्द। अब मैं नीमो को यहाँ पे रेडी कर रही हूँ अपने नानी घर के लिए। तो जल्दी है नीमो के साथ नीमो के नानी घर। सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू हावड़ा। एंड सी, लुक एट नीमो, हाउ एक्साइटेड ही इज़। सो अब हम लोग जा रहे हैं नीमो के नानी घर। तो हावड़ा में उतरते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाय तब तक। तो फाइनली हम लोग हावड़ा आ गए हैं। एंड ये है मेरे हस्बैंड और नीमो। तो नीमो को राहुल ने कैरियर में ले लिया है एकदम सेफली। तो यहाँ पे हम लोग ने अपना ऊबर कैब बुक कर लिया था। सो फाइनली वी आर गोइंग होम। तो जब कोलकाता में आए हों तो हावड़ा ब्रिज का वीडियो तो लेना ज़रूरी है ना। जब भी मैं कोलकाता आती हूँ मुझे सच में पूरा गूज़बम्स आ जाता है और मुझे रियलाइज़ कराता है कि मैं कितना ज़्यादा ये सिटी मिस करती हूँ, कितना ज़्यादा मैं अपने हर घर को मिस करती हूँ। यहाँ पे आके बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती है, बचपन याद आ जाता है, स्कूल जाना, बचपन के दोस्त, कॉलेज के फ्रेंड्स, सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई मैं रांची, अलग ही फील होता है। तो फाइनली ये है मेरा घर, मैं आ गई अपने घर में। यहाँ पे देखिए नीमो अपनी मासी को देख के रो रहा है, पहचान ही नहीं पा रहा है वो। लास्ट वो 6 महीने का था तब आया था एंड अभी एकदम सबको भूल चुका है। इतने दिन सिर्फ दादा दादी को ही देखता था, आज एक अलग ही चेहरा इसको दिख रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो बहुत ज़्यादा सारा दिन क्रैंकी था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको बाहर घूमने ले जाऊँ। तो मैं इसको साउथ सिटी लेके आ गई घूमने के लिए। तो यहाँ पे आके इसका मूड थोड़ा बेटर भी हो गया था। नहीं, वॉज एक्चुअली फीलिंग गुड एंड आई वॉज ऑल्सो फीलिंग गुड। तो हम लोग जब यहाँ पे आ ही गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग यहीं से डिनर कर लेते हैं। तो ये है साउथ सिटी का फूड कोर्ट। तो हम लोग ने यहाँ पे आके हम लोग ने अच्छे से अपना डिनर किया, ये डिलीशियस सा बर्गर हमने खाया था। सो गाइस, नाउ वी आर गोइंग होम। हम लोग का डिनर हो गया है और नीमो भी यहाँ पे हैप्पी है। अब चलते हैं घर। तो ये व्लॉग भी यहीं एंड होता है, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, सब खैर, तुम्हारा सभी भालो थेको।